हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरा यूट्यूब चैनल डीजे फार्मिंग टिप पे। आज हम लोगों का 33 डेज है। तो इन लोगों को मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इनको सीआरडी और इकोलाइक का प्रॉब्लम हो गया। तो इनके वजह से काफ़ी चूजे मर रहे हैं। सो इसके लिए मैं सेल कर दे रहा हूँ। आज भी मैंने करीबन 500 पीस जैसा सेल किया है। सो पर डे मैं सेल करता रहा हूँ, कल भी करूँगा। इनको अभी रखूँगा नहीं मैं, क्योंकि इनको रखना अभी मतलब मेरा घाटा होगा। सो हर रोज चीज़ें मर रहे हैं, इसके वजह से इनको रखना ठीक नहीं होगा। इनको मैंने दिया था एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और रस्टिकल एल। सो आपका ऐसा ही प्रॉब्लम होना सब दीजिएगा, अभी कंट्रोल में है पर फिर भी ये प्रॉब्लम होगा इनका। तो मैं इनको इसलिए वजह से सेल कर दे रहा हूँ। सो आप लोग मेरा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए हर रोज़ एक नया वीडियो बनाता रहूँ। सो मेरा दूसरा फार्म में ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी फार्म में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इसमें चूजे भी ज़्यादा थे, इसके वजह से। तो आप लोगों को कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जान सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वैसे भी मैं कुछ भी प्रॉब्लम होने से वीडियो के दौरान आपको बता देता हूँ। आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचे। पहले इस फार्म में 1000 चीजें थे, अभी 500 जैसा होगा। सो 500 भी नहीं होगा अभी, क्योंकि काफी चीजें मर भी गए थे मेरे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नया जितने भी दोस्त आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने दोस्त लोग आप लोग शेयर कीजिएगा। ये देखिए, कोने में एक मुर्गी अभी मर गया है। ऐसे मरते रहेंगे ये लोग, क्योंकि इनको इंजेक्शन पुश करना पड़ता है, और इंजेक्शन देना एक रिस्क होता है, इसलिए मैं दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। धन्यवाद आप सबको।